الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى <स्थाथ> सदा अल्लाज़ीम हर किस्म कि अल्ला, की हमदोसना बड़ाई के बरयाई रिफ़ात बुलंदी उस अल्लाकमीन की ज़ाद के लिए वो अल्लाह जो हम सब का खालिक है मालिक है राज़िक है दाता है नफ़ नु़सान का मालिक है बेशुमार लात अन गिनतरुद्लम सैदलाउलिन आख़िरीन इमाम मुशतबा इमाम और ख़ातम्बिया आकाईदोजा कायन के सरदार नबी जनाब मोहम्मदालरसूल्ला वसलम की कदस के लिए साहिबों और साथियों काबिल अहतराम तशरीफ़ फरमामा और, और बहनों अल्लाह का शिक्र अदा करते हैं कि अल्लाह अकमल के मैन ने हम सबको रसोल्ला सल्ला वसलम का उम्मीदी बनाया मुसलमानों के घरों में पैदा फ़रमाया परस बनाया इस्लाम की कुरान की अहादीस की समझ बूझ अता की दुआ है कि अल्लाह आकामिन हमारे अंदर जो कमियाँ हैं सुस्तियाँ हैं अल्लाह हमें उनका इजाला करने की तोफ़ी अता फ़रमाए और मिन वन कुरान हदीस पर उसी तरह अमल करके अपनी दुनिया और आखरत को बेहतर बनाने की तोफ़ी अता फ़रमाए जिस तरह ज़िंदियाँ से हबाक कराम रजमाइन ने गुजारी और इतनी खूबसूरत ज़िंदियाँ गुजारी कि वो चलते ज़मीन पर थे लेकिन उनके चलने की उनके क़दमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी वो चलते ज़मीन पर थे तो आसमान वाला रब रज़ी अल्लाह अल्लाम व रज़ु अनु के सर्टिफिकेट उनको दुनिया में ही अता कर देता था अल्लाह हमें भी वैसा बनने की उन सहाबाए से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर उनके नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए फ़रमाएरत साम ये तभी होगा जब हम कुरान से जुड़े रहेंगे जब हम अस का ख़ुद मुताल करेंगे जब तफासिर को ख़ुद पढ़ेंगे जब तारीख का मताल हमारा होगा जब कुरान हदीस से हमारी उल्फत चाहत अक़ीदत और मोहब्बत होगी जब हम खुद उसको पढ़ने वाले होंगे खुद पढ़ाने वाले होंगे तो यकीन जानिए अल्लाह अल्लाकम इंसान के हालात इंसान की हालत को उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक इंसान खुद कोश ना करे ये कुरान का फैसला है और अगर मैं और आप आज कुरान से जुड़ जाएँ रमज़ान के आने से पहले पहले हम तोबा और इसफफार करके अपने रब को राज़ी कर लें हजरत इससे बड़ी शहादतमंदी और कोई नहीं हो सकती अपने मौजू की तरफ़ आता हूँ हजरत पिछले जुमे हमने रसोल्ला सल्हम की असर में राज के मतलब कुछ गुजारिशात समात की थी हजरा सामीन रसोल्ला वसलम का जो असरा राज का सफ़र जहाँ से उनका आगाज़ हुआ है रसोल सल्ला वम का असर उम राज का जो सफर शुरू हुआ पिछले जुमे के इख्तिताम पर हमने बात समात की नबी आसलातलम ने फरमाया कि बैतुल्ला के अंदर हतीम के अंदर मुझे लिटाया गया और मेरे सीने को शक किया गया मेरे दिल को निकाल के उसको धोया गया हजरात यहाँ से ही नबी आ सलातम के असर व महराज का सफर शुरू होता है मेरा का सफ़र शुरू हो गया आगाज़ हुआ अकात वाम फ़रमाते हैं सुम्मा उतीतु बिदाबिन अब अब युकालबुरा फ़ौकल हमारी वलबली ख़त वह इंद अक साफ़ ही फू मिल तो आल ही सही मस्लम की रिवायत है नबी आलही सलात फ़रमाते हैं फिर मेरे पास एक सफ़ेद रंग का जानवर लाया गया सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया यानी कि सीने को चीरा गया अक आलाम के दिल को साफ़ किया गया नबीआई के दिल को धोया गया और ये सारा मुआरा होने के बाद अब सफ़र का आगाज़ होने लगा है ये सारी की सारी बातें करने का मकसद ये है बात करने का समझाने का बयान करने का मकसद ये है कि बचपन से लेके आज तक हमने बड़ी सुनी सुनाई बातों पर अमल किया है और उनको ही दीन का हिस्सा समझा है हजरात कभी हकीकत को परख के देखिए हकीकत उसके बिल्कुल बर है नबी आलाम फरमाते हैं कि मेरे पास एक सफेद जानवर लाया गया वो जानवर की कफियत क्या है उसका कद काट क्या है नबी आलम फरमाते हैं जो गधे से बड़ा था और खच्चर से छोटा था ऐसा सफेद रंग का जानवर मेरे पास लाया गया और उसकी सवारी का उसके कदमों का आप मुहासबा कैसे कर सकते हैं नबी नबीलाम ने फरमाया, इतनी तेज तराज़ वो सफारी सवारी के जहां पर उसकी नजर जाती थी वहीं पर उसका कदम होता था इतनी तेज दौड़ने वाली सवारी और कद कितना है गधे से बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा सवारी की रफ्तार इस कदर तेज है कि हद निगाह तक जहाँ पर उसकी नज़र का एंड होता है इंतहा होती है वहाँ पर उसका कदम होता है नबी आ सलातम फरमाते हैं सही मस्लम की रिवायत है मुझे उस पर ले जाया गया अनस रजी अल्लाह तु बयान करते हैं कि नबी आ सलातम ने उस अपनी सवारी जिसको बुराग कहते हैं बुराक वो सवारी को कहा जाता है कि जिसके ऊपर नबी आ सलातम को मक्तुलमक्रमा से बैतुलमकदस की इंतहा तक ले जाया गया अनस रजी अल्लाह तु बयान करते हैं कि वो बुराक की हालत ये थी कि उस पर जीन कसी हुई थी जैसे आज हम देखते हैं ना घोड़ों के ऊपर सफ़र करने वाले खचरों के ऊपर सफ़र करने वाले और गांव के इलाके में आज भी कुछ लोग गदों के ऊपर सफ़र करते हैं और उसके ऊपर उन्होंने जीन कसी होती है यानी कि नीचे से उसके बाल या उसका जिसम बैठने वाले को तंग ना करे नबी सलाम के लिए जिस सवारी का इंतखा किया गया जिसको बुराक कहते हैं उसके ऊपर भी जीन कसी हुई है और नबी सला जैसे ही उपर, इस बुरा के ऊपर इस सवारी के ऊपर सवार हुए इस सवारी ने शोखियां दिखानी शुरू कर दी इस सवारी ने शौखिया दिखानी शुरू कर दी यूं समझ लें जैसे कोई बिद का हुआ घोड़ा हो जो अपने जिसम को हाथ भी ना लगाने देता हो ऊपर बैठना तो बड़ी दूर की बात है और अगर कोई जबरदस्ती करके उसके ऊपर बैठ ही जाए तो वो घोड़ा इतना भिदके इतना भितके कि वो ऊपर वाले को नीचे गिराने की कोशिश करे नबी सलातम जब उस बुरा के ऊपर सवार हुए उसने भिदकना शुरू कर दिया जिब्राईल आसलातम उस सवारी के पास आए और आकर के कहते हैं तू मोहम्मद प्यार से कह दें को शौखियां दिखा रही है तेरे इलम में है कि तेरे ऊपर कौन सी हस्ती बैठी है कौन सी हस्ती सवार है ये वो हस्ती है कि जिस हस्ती से मुअज्जज मुहतरम मुकर्रम मोहतम अल्लाह की नजर में कोई है ही नहीं अल्लाह इस कदर इस सवारी पर सवार होने वाले की इज्जत करते हैं इतनी इज्जत इतना एहतराम अल्लाह ने किसी का नहीं किया अनस नबीम ने फरमाया कि जब जिब्राइल अलैहि व सलाम ने सवारी को ये अल्फाज कहे सवारी नॉर्मल हो गई वो अपनी असली हालत में आ गई उसने शौखियां दिखानी बंद कर दी हज़रा नबी आलतम को बैतल्म़द्दस में ले जाया गया अकालसलाम तो कहते हैं फ़रअब तु अति बई तलमकदसी सही मस्लम की रिवायत है तो फरमाते हैं मैं उस सवारी पर सवार हुआ रफ़्तार का हमें इलम हो चुका है अकाल सलाम तो फरमाते हम बैतुल्क़दस में आ गया फ़रअब तो हूँ बिलहल का तिल्ल यरब तुबि अम्बिया मैं उस सवारी से नीचे उतरा और मैंने अपनी उस सवारी की नकेल को पकड़ के उस दरख्त के साथ उसको बाँध दिया जिस दरख्त के साथ अम्बिया अपनी सवारी को बांधा करते थे उस दर के साथ मैंने अपनी सवारी की निकेल को बांध दिया सुमत दखल तुलम फसल सही मुस्लम की रिवायत यकीन आए घर जाके खुद मुता करें अकाल इस बात फरमाते हैं, फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ ये मस्जिद कौन सी है मस्जिद अकसा बैतुलम से कहा जाता है हमारा किबला अव्वल जो है अकाली सतम कहते हैं फिर मैं उसमें दाखिल हुआ फसल फसल ही रकईनी मैंने उसमें दो रक्तें पढ़ी उसमें कितनी रक्तें पढ़ी दो रक्तें पढ़ी अकातम की इन दो रक्तों के मतलब बात सुनने में आती है कि वहाँ पे हमने ये भी सुना है कि नबी आसलातम ने अम्बिया को इमामत करवाई इसमें जो मुफसरन हैं उनमें कुछ इख्लाफ पाया जाता है कुछ मुफसरन कहते हैं कि जब नबी आलम मक्का से बैतुलमक़दस आए थे तब नबीम ने ये जो दो रक्तें खुद पढ़ी हैं ये नबी आलाम ने पढ़ी नहीं बल्कि अम्बिया को पढ़ाई हैं और कुछ मुफसरी इस अंदाज में कहते हैं कि अक सलात जब आसमान की सैर करके जन्नत और जहन्नम की सैर करके वापस आए थे फिर बैतुलमकदस में आए थे तब नबी आ सलाम ने तमाम अम्बिया की इमामत करवाई थी किस्सा मकसर यह है कि अका सलातम ने तमाम अम्बिया की इमामत करवाई और एथेंटिक यही है बी सलात जब गए थे बैतुलम से अकातम ने उसी वक्त में की इमामत करवाई अम्बिया की, की इमामत करवाने वाला इनाम और रब का फजल ये इस बात की दलील है कि सारे के सारे नबियों की दावत एक जैसी थी कोई भी नबी अपनी मर्जी की दावत नहीं देता था जो भी दावत देते थे वो जो पैगाम देते थे वो अल्लाह अल्लाकमीन की तरफ से नाजल शुदा होता था तमाम अम्बिया की दावत एक जैसी एजाज़ मरतबा मुकाम शान देना ये मेरे उस रब का काम है कि जिसने मेरे और आपके पिरो मुर्शद जनाब महम्मसूल्लाम को इतना मुकाम अता कर दिया के इमामत के लिए मोहम्मद का इंतबाब किया और पीछे जो मुक्तदी बन के खड़े हैं वो सारे के सारे नबी खड़े हैं अल्लाह हमें उस नबी से सच्ची और सूची मोहब्बत नसीब फरमाए हज़रा सामीन यहाँ पर एक बात और काबिल गौर है आज हम जाते हैं अली हजवेरी के दरबार पर बुल्ले शाह के दरबार पर गंज शकर बाबा फरीद और पता नहीं कहाँ कहाँ के सफर करते हैं और कई तो ऐसे जयाले मतवाले हैं कई ऐसे अकीदत के मानने वाले अकीदत का इजहार करने वाले कोई ईरान जा रहा है कोई शाम जा रहा है कोई मिस्र जा रहा है कोई फलस्तीन जा रहा है क्यों जी मैं वहां पे फलां दरबार पे गया और देखा मैंने ये अंगूठी पहनी है इस अंगूठी के अंदर जो स्टोन लगा हुआ है जो नग लगा हुआ है जो पत्थर लगा हुआ है मैंने उस दरबार से उस दरगाह से हासिल किया था और जब से मैंने ये पहना है मेरे तो वारे न्यारे हो गए हजरात असरा में राज नबी आलाम को जो सैर करवाई गई उसमें सिर्फ नबी आ सलातम की जात के हवाले से या याकाम को जो तोहफे अल्लाह ने दिए सिर्फ उस हवाले से बातें नहीं की गई इस असरों में राज को कभी पढ़ें मेरे और आपके अकीदे की असलाह के लिए काफ़ी है हैजरात आज हम सफर करते हैं सवाब के इरादे से नेकी के इरादे से अजर सवाब के इरादे से अकीदतमंद बन के हजरात कभी मैंने और आपने गौर किया है कि रसूल सल्लाम ने सवाब अजर नियत, इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि कौन सी ऐसी जगह है कौन सी ऐसी मसाजद हैं जिनको अल्लाह ने ये एजाज अता किया है जिनको अल्लाह ने ये फजल और करम बख्शा है कि उनकी तरफ इंसान रखते सफर यानी कि सफर का इरादा करके जाए और वहां पर जाके नमाजें पढ़े इबादत करे आलमीन उनको कई गुना आम मसाजद से कई गुना बढ़ा चढ़ा कर अजर अता करेगा नबी सलाम की सैदीस है अकाल सलात फरमाते हैं ला सवाब की नीयत से कहीं सफर ना करो मेरी बात पर यकीन नहीं कम अज कम मोहम्मद की बात पर यकीन होना चाहिए ना जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है सही मुस्लिम की रिवायत है सहीबुखारी के अंदर भी रिवायत मौजूद है अकाम फरमाते हैं ला तशु रिहाल ओ लोगो और नबी का कलमा पढ़ने वालों सवाब के इरादे से नेकी के इरादे से अजरों के इरादे से तुम कहीं सफर ना करो नो, नो, इल्ला सला, इल्ला इला सला ना ना ना। मगर तीन तीन मस्जिदों मस्जिदों की तरफ, ना ना। तीन के अलावा कहीं भी तुम सवाब नेकी अजर का इरादा रखते हुए सफर ना करो हजार यहां पे बात किसकी हो रही है मस्जिदों की किसकी बात हो रही है जो अल्लाह के घर हैं जो बैतुल्लाह की बेटियां हैं की बेटियाँ कौन है ये मसाजद अल्लाह का घर अल्लाह के घरों में अल्लाह को पुकारो अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो नबी नबीम ने फरमाया तीन मसदे इंसान अजर का सवाब का नेकी का इरादा रखे अगर सफर करेगा अल्लाह उसको अजर अता करेगा इन तीन जगहों के अलावा मोहम्मद ने मना फरमा दिया वो तीन मस्जिदें कौन सी हैं अल हैंजिदराम बैतुल्ला मक्तुलमकरमा जहाँ पर इंसान उम्र के लिए जाता है जहाँ पे इंसान हज के लिए जाता है अल्लाह का मुलाकमेन हम सब को बार बार उस बैतुलह हराम की हाजिरी नसीब फरमाए उनकी ज्यारत नसीब फरमाए हजरात पहली मस्जिद याद रखिएगा ये वाक्य मेरी और आपकी तरबियत के लिए आपकी औलाद की, की तरबियत के लिए ये बातें काफ़ी हो जानी चाहिए नबी नबीम ने फरमाया फरमायालमस्जिदराम पहली कौन सी मस्जिद है बैतुल्ला वालमस्जिद ये जिसके अंदर अभी नबी नबीम गए हैं बुराक के ऊपर सवार हुए हैं और बुराक ने वहाँ पर जाके अपने सफ़र का अख्तितम किया है और नबी आई स्लम ने उस बुरा की नकेल को उस रख्त के साथ बांधा है जिसके साथ अम्बिया अपनी सवारी को बांधा करते थे जिस पर नबी आलाम ने तमाम अम्बिया की इमामत करवाई है हजरत हैतुलदस और तीसरी व मस्जिद हाजा यानी कि नबी आई इस्लाम की मस्जिद नबवी ये तीन मसाजद के जिसके तरफ इंसान सवाब के इरादे से जा सकता है नेकी के इरादे से जा सकता है लंबा लंबा सफर कर सकता है इसके अलावा अगर कोई इंसान चाहे मैं फला मस्जिद चला जाऊँ फलाँ दरबार चला जाऊँ फ़ला दरगाह चला जाऊँ और वहाँ पर जाके मेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी वहाँ पे जाके मुझे अजर सवाब मिलेगा जब नबी आलम ने कह दिया है कि नहीं करना तो फिर उसमें अजर सवाब कैसे मिल सकता है हम नबी नबीम के मुखालिफ नहीं जाएंगे क्योंकि नबी आसलम ने क़ुरान ने फरमाया वमा आता कुमर रसूल फ़ख जूहू वमा नहा कुमान फनता जितना नबी सलाम तुम्हें दे दें उतना ले लो जिससे तुम्हें मना कर दें उससे रुक जाओ यही दीन है यही मोहब्बत है यही नबी नबीला से नबी सलातम से वफ़ादारी का सबूत है क्या कि अकतम ने जितना दीन हमें दे दिया जो कुछ सिखा दिया उसी पर हमने रहना है उससे ना कम करना है ना आगे निकलना है अल्लाह अल्लाकमी हमें इस बात की तोफी अता फरमाए कि हम नबी आ सलातम के सच्चे मुती और फरमाबरदार बन जाए हजरात अक सलाम का सफर नबी आल सलासम बैतुलमक़दस में अम्बिया की इमामत करवाते हैं नबी आम कहते हैं फिर मैं बाहर निकला और इस बारे में तीन रिवायात आती हैं अकाल सलात फरमाते हैं फिर मुझे आसमान की तरफ चढ़ाया गया आसमान की तरफ चढ़ाया गया दूसरी हदीस के अल्फाज हैं नबी आ सलातम फरमाते हैं कि जब्राईल आसलातम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ़ ले जा ले जाना शुरू कर दिया तीसरी हदीस के अल्फाज जिसको इमाम इबन अलैह ने और दीगर मुफसरीन ने भी बयान किया कि अल्लाहमीन ने एक खूबसूरत सीढ़ी लगाई जिस पर मोहम्मद चढ़ते गए और आसमान की बुलंदियों पर जाते गए हजरत नबी आ सलात पहले आसमान पर गए साथ में कौन है जब्राही सलात बातें याद रखनी है जब्राही सलातम साथ हैं पहले आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया फरिश्ते जो निगरान है पहले आसमान के दरवाजों के सवाल करते हैं दरवाजे पर कौन है जबराहील आलिम कहते हैं आना जब्राहल मैं जब्राहल हूँ कहते हैं आपके साथ कौन है कहते हैं मोहम्मद फरिश्ते सवाल करते हैं क्या इनको बुलाया गया है जब्राहल आल कहते हैं जी हाँ इनको बुलाया गया है दरवाज़ा खोला गया सारे फरिश्ते व व सहलम मरहबा या मोहम्मद सारे खुश आमदीद कहते हैं बड़ा पुरजोश इस्तबाल होता है बड़ा खूबसूरत इस्तबाल है नबी आसलातम कहते हैं पहला आसमान फरिश्तों ने दरवाज़ा खोला आहलन सहलन मर हुआ खुश आमदेद हुई और मुझे वहां पर आदम सलातम को दिखाया गया जब्राहला सलातम कहते हैं ये आपके अब्बा जान हैं आदम सलातम हैं मैंने सलाम किया उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा मर बिन नबी ये साल ही वाल इबन साल ही नेक बेटे और नेक साले नबी को खुश हो, नेक नबी और नेक बेटे को खुश आमदे दो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने देखा आदम अलीसलातलम बैठे हुए हैं उनकी दाई जानब कुछ सायादार चीज़ें हैं उनकी बाई जानब कुछ सायादार चीज़ें हैं जब वो अपनी दाई जानब देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं जब बाई जानब देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं गौर कीजिए असरों में राज सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं आज हमने नबी नबीसलाम के इस सफर से सीखा तो सिर्फ खाना पीना बड़े अफसोस की बात है नबी सलातम जो वाकत बयान कर रहे हैं क्या कभी हमने उनका मुताया किया है कभी हमने उनसे सीखने की कोशिश की है कि यार नबी आलाम को जो अल्लाह ने मोवजे अता किए थे उन सारे मोवजात में से जो सबसे बड़ा मुआवजा वो असरों में राज का है अगर रब ने इतना बड़ा मोजा अदा किया है तो इसमें रब ने कोई बड़ी बड़ी कमालत की चीजें भी मेरे और आपके लिए रखी होंगी कभी हमने गौर ही नहीं किया नबी अलीलातम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम दाएं देखते हैं तो हंसते हैं बाएं देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं मैंने जब्राहल अलैहिस्सलाम से सवाल किया ए जब्राहल ये क्या माजरा है जब्राहल अलैहिस्सलाम कहते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं के दाएं और बाएं इनकी तमाम तक आने वाली औलाद है जब ये अपनी दाएं देखते हैं 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 ये वो लोग हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं। जब इनकी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं लेकिन जब अपनी बाएं देखते हैं हैं ये वो लोग हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं जो बदबक लोग हैं क्या कभी मैंने और आपने अपना मुहासवा किया अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे करोड़ करोड़ा मरतबा में दुआ करता हूं अपने लिए भी आप सबके लिए भी कि अल्लाह हम सब को इन दाए जानम में जो लोग हैं जिनको आदम आदमी दे के मुस्कुरा रहे हैं अल्लाह हम सबको उनमें शामिल कर दे कभी गौर करें अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्ला कि कहीं अगर मेरा या आपका इंतख्या कहीं उन लोगों में कर दिया गया एडिटिंग उन लोगों में कर दी गई हमें उन लोगों में ऐड कर दिया गया तो क्या बनेगा रसूलुल्लाह रसूल फरमाते हैं सैल बुखारी की रिवायत है जो आदम आदमी के भी मैंने जिक्र की है घर जाके खुद मुता कर सकते हैं नबी सलाम फरमाते हैं दूसरे आसमान पर मुझे ले जाया गया वहाँ पर हज़रत हज़रतिया और हज़रत ईसा आल सलाम से मेरी मुलाकात हुई जो नबी आलाम के खालाजाद भाई भी हैं उसी तरह प्रोटोकॉल दिया गया दरवाज़ा खटखटाया गया फरिश्तों ने पूछा फिर दरवाज़ा खोला गया आहलन सहलन मर हुआ ईसा आ सलातम से और हज़रत हज़रतियालातलाम से मुलाकात हुई तीसरा आसमान आया दरवाजा खटखटाया कटाया गया आहलन सामदेद हुआ हुआ अकाल अकात असलम फरमाते हैं यहाँ पर मेरी मुलाकात हज़रत हज़त यूसफ़लातम से करवाई गई मैंने सलाम किया उन्होंने जवाब दिया खुश आमदेद किया और मुझे दुआए खैर दी नेक तमन्नाओं के साथ नेक दुआओं के साथ मुझे आगे के लिए अलविदा किया और नबी आई सलाम फ़रमाते हैं जब मैंने यूसफ़ली सलाम को देखा ना वो इतने खूबसूरत थे इतने खूबसूरत थे फैज़ा हुआ कद ऊत या शत्रसनी गोया कि अल्ला ने आधा हसन यूसफ़्लाम को ही दे दिया और ये तो हसन यूसफ़ है ना ये तो हुसन यूसफ है जो मोहम्मद अपनी जुबान से बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने आधा हुसन यूसफ आलाम को दिया ऐसे लग रहा है और एक हुसन अम्मा जी आयशा मेरी और आपकी अम्मा जान उम्मा हाथ उलमोमिन अजवाज मतहरात में से वो बयान करती हैं कि लोगों ने हुसन यूसुफ को देखा था और अपने हाथों की उंगलियों के पोरों को काट लिया मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ अगर वो मेरे यूसुफ को देख लेते वो अपने जिगर को काट लेते और उनके यूसुफ से मुराद कौन है मोहम्मद यानी कि अगर वो मेरे नबी को देख लेते तो उंगलियों के पोरे तो बड़ी दूर की बात है लोग अपने जिगर काट लेते इतने खूबसूरत इतने खूबसूरत अल्लाह उस खूबसूरत नबी के खूबसूरत पैगाम पर हमें अपनी जिंदगियां गुजारने की तोहफी कता फरमाई चौथा आसमान नबीस फरमाते हैं दरवाजा खटखटाया गया उसी तरह खुश आमदेद हुआ यहां पर हजरत हजर इद्रा इदरीसलात से मुलाकात हुई पांचवें आसमान पर हजरत हारून आल सलात वाम से मुलाकात हुई छठा आसमान आया नबी आलिम फरमाते हैं उसी तरह इस्तेबाल किया गया उसी तरह प्रोटोकॉल दिया गया मूसा आसलातम से मुलाकात हुई किन से मुलाकात हुई मूसा असलात से कौन सा आसमान है छठा आसमान और इनके एक भाई है जिनको हारून कहा जाता है वो इससे नीचे वाले हैं यानी कि चौथे आसमान पांचवें आसमान पर अली इस्लाम से मुलाकात हुई और छठे आसमान पर मूसा आ सलातलाम से मुलाकात हुई अब मूसा आ सलातम की नबी का काफ़ी बयान कर रहे हैं आकाम फरमाते हैं कि जब मैंने मूसा सलाम को देखा तो वो रो रहे थे वो रो रहे थे यानी कि जब आमना सामना हुआ सलाम दुआ हुई उन्होंने दुआ खैर के कली कहे उसके बाद मैंने देखा तो मूसा आसलात असलम क्या कर रहे थे रो रहे थे और वो क्या कह रहे थे या रबी हाज़ल गुलाम बास्ताहू हज़रात ये हदीस सुनने के बाद हर इंसान ऊपर तशरीफ़ फरमा मैं बहने इस बात पर फ़ख्र महसूस करें कि अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद रसूल वसम का उम्मती बनाया है अगर वो किसी काफ़र के घर पैदा कर देता यहूदी के घर पैदा कर देता ईसाई के घर पैदा कर देता किसी मजूसी किसी आग परस्त किसी सूरज परस्त के घर पैदा कर देता हम क्या बिगाड़ सकते थे उस रब का अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस नेमत का शुक्र अगर सारी जिंदगी सजदे में सर रख के भी अगर हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहें नहीं कर सकते हजरात बात कौन कर रहे हैं मूसा सलात कि ए रब ये जो मेरे सामने नबी आया है हाजल गुलाम ये बच्चा ये बेटा इसकी उम्मत मेरी उम्मत से कहीं तादाद में ज्यादा जन्नत में जाने वाली है मेरी उम्मत तो बड़ी थोड़ी होगी इस नबी की उम्मत की बनस्बत इस नबी की उम्म कसीर तादाद में जन्नत में जाने वाली है दुआ हाँ। करें, करें अल्लाह अकमकमीन हम सब का हम सब का नाम उन खुश नसीबों में लिख दे जो कसीर तादाद में जन्नत में जाने वाले हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले हैं अल्लाह हम सब को भी उनमें शामिल कर दे हजरात ये मूसा सलातम ने बात की है यहां पे मूसा सलातम की एक और बात का जिक्र करना चाहता हूँ मूसा आसलाम तो को अल्लाह ने कहा था मूसा तेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम है महम्मद उसकी उम्मत के लोग अगर नेकी का इरादा करेंगे अल्लाह उनको नेकी का स्वाब दे देगा अभी क्या किया है इरादा नीयत और नीयत का ताल्लुक किसके साथ होता है बोलें सारे नीयत का ताल्लुक किसके साथ होता है ज़ुबान के साथ इकरार होता है इकरारसान ज़ुबान के साथ जो अल्फाज कहे जाते हैं वो किसी भी मौके पे हो वो नीयत नहीं वो अक, इकरार होता है और दिल में जो इरादा किया जाता है नीयत की जाती है मकसद रखा जाता है उसको नीयत बोलते हैं नबी नबीम ने फरमाया मूस आल्त असलाम कहते हैं कि अल्लाह के ए अल्लाह वो नेकी का इरादा करेंगे तो नेकी बन जाएगी अजर दे दिया जाएगा अल्लाह कहते हैं इतना ही काफ़ी नहीं है यहाँ पर बस नहीं है वो नेकी का इरादा करेंगे हम उनको अजर दे देंगे अगर वो नेकी कर लें तो हम कई गुना बढ़ा चढ़ा कर उनको अजर अजीम अदा करेंगे मतलब हमने ये दोनों काम ही करने हैं सिर्फ नेकी का इरादा नहीं सिर्फ ये इरादा मैं नमाज पढ़ूंगा मैं रोज़ा रखूंगा मैं हज करूँगा मैं उम्र करूंगा मैं सलाम में पहल करूंगा मैं सिला रहमी करने की कोशिश करूंगा सिर्फ इरादा नहीं करना इसको पाया तकमील तक पहुँचाने का काम भी हम नहीं करना है इन तो बोल दो रसोल फरमाते हैं सातवें आसमान पर मुझे ले जाया गया दरवाज़ा खटखटाया गया उसी तरह प्रोटोकॉल उसी तरह इस्तबाल पुरजोश अंदाज में किया गया उसके बाद मेरी मुलाकात हुई जब्राईल अलैहि इब्राहीम आसलातम से जो जद्दुल अम्बिया हैं अम्बिया के पर दादा पड़दा उन से मेरी मुलाकात हुई और मैंने देखा वो इस हालत में बैठे हैं बैतुल मामूर है बैतुल मामूर के साथ वो टेक लगा के बैठे हैं हजरात हमें इलम में होना चाहिए कि ये बैतुल मामूर आखिर क्या चीज़ है बैतुल मामूर आखिर क्या चीज़ है नबी आ सलातम से सिहबा कराम ने सवाल किया अका सलाम ने फरमाया जिस तरह इस सरजमीन पर जिस तरह इस कायनत पर आसमान वाले रब ने मक्का की सरजमीन पर बैतुल्ला को बनाया है सेम इसी सेहत में इसी सिमत में आसमान वाले रब ने एक घर बनाया है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है जिस तरह दुनिया में लोग बैतुल्ला का तवाफ करते हैं मामूर सेम किबले की जानब है बैतुल्ला की तरह है वहां पर फरिश्ते उस बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और हजरात नबी असलातम ने फरमाया के सत्तर हज़ार फरिश्ता सत्तर हज़ार फरिश्ता वहाँ पर एक वक्त में नमाज़ अदा करता है और जो फरिश्ते एक मरतबा वहाँ पर नमाज अदा करके बाहर निकल आते हैं दोबारा क्यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी इतनी कसीर तादाद में फरिश्ते हैं क्यामत आ जाएगी लेकिन दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी हजरात यह बैतुलमा नबी अलीस्म फरमाते हैं सुमा उतीद वना ख़मरिन व इनाम बिन फिर मेरे पास जब्राहल आलातम दो बर्तन लेके आए एक बर्तन में शराब थी एक बर्तन में दूध था और मुझे वो दोनों पेश किए गए चॉइस है से। दोनों में से आप पसंद कर लें कौन सा लेना चाहते हैं नबी आसाला फरमाते हैं मैंने दोनों बर्तनों को देखा एक में शराब है एक में दूध है मैंने दूध पकड़ के पीना शुरू कर दिया और जब्राहल आलातम पत क्या कहते हैं आपने फ़ितरत को पसंद किया है अगर आप शराब को पसंद करते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती आपने फितरत को पसंद किया है अल्लाह आपकी उम्मत को गुमराही से बचाएगा हजरात गौर कीजिए आज हमने कलमा पढ़ा है लेकिन फिर भी हम भटके हुए हैं आज हमने कलमा पढ़ा है ये नबी आलाम का सफ़रे महराज ये हम सब की तरबियत के लिए काफ़ी होना चाहिए लेकिन हम तो हैं सुनी सुनाई बातों के पीछे अपनी जिंदगियां गुजारने वाले टाइम होने वाला है अपनी बात को शार्ट करता हूँ नबी आल्लाम फ़रमाते उसके बाद जब्राही मुझे शजरतमरतहापे पे लेके गए सिदर मुंतहा क्या चीज है जिसके हमारे मुलाम ने पता नहीं क्या कुछ बयान कर दिया दिलो दिमाग की तख्तियां खोल के जरा मोहम्मद की जुबानी भी सुन के जाइएगा कि एक है कि मौलवी ने क्या बयान किया है मुकर्रर ने क्या बयान किया पीर साहब ने क्या बयान किया एक है कि क्या मोहम्मद क्या बयान कर रहे हैं मुंतहा वो जगह है जहां पर जब जमीन पर ईमान वाले बंदे काम करते हैं या बदबخت लोग बुरे काम करते हैं वो सारे के सारे आमाल उठाए जाते हैं और इस मुंतहा पर पहुंचाए जाते हैं और दूसरी बात ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा नबीम की सैयद के सामने रखता हूं अर्जु है। ने पर पहुंचाया जाता है यहां पर आके वो आमाल रुक जाते हैं और उसके बाद आसमान वाला रब जो फैसले करता है जो हुक्म जारी करता है वो सिदरतहा आते हैं और सिदरत की पत्ते क्या क्या उतार के उनको अच्छी तरह उबाल के वो गुसल करे नबीलातोलाम कह रहे हैं अकाल सलात हजरात ये बेरी के पत्ते लेकर गुसल करने वाला और ये हमारे मौलवियों की बातें कभी गौर किया कुरान और हदीस को पढ़ के कि यार ये कहां पे लिखा है जिसको हमने दीन समझा है और सिर्फ यहीं पे बात नहीं आप बेरी के पत्ते लें उनको अच्छी तरह पानी के अंदर उबालें उसके बाद गुसल करें आपकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे कितने लिखे है नबी आ सलात सलाम के सहाबा एक गलती हो जाती थी नबी आलाम के सामने पेश हो जाते अल्लाह के नबी यह गुना हो गया है हमें पाक कर दें त हिरनी गुना से पाक साफ कर दें आका तो सलाम हद्दे लगा देते वो अपनी जान के नजराने पेश करके अपने रब के यहां सुरखुरू होते हजरा तोबा ताय करना पड़ती है उसके लिए बेरी के पत्ते क्या उस वक्त बेरिया नहीं थी नबी आलाम के जमाने में बेर नहीं थे अगर इस तरह की कोई बात होती तो मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ आज बेरिया हमारे पास आती ना कसीर ता में सिंबा इकर मौजूद हैं नबी आलातम उनकी तरबियत कर रहे हैं कि अगर गुनाह हो गया सगीरा गुनाह होते हैं नबी सलाम फरमाते हैं वजू करो तुम्हारे वजू में तुम्हारी पूरी तवज्जो अल्लाह मेरे हाथों के गुनाह मेरी जुबान के गुनाह मेरी आँखों के गुना मेरे चेहरे के गुनाह और मेरे कानों के गुनाह मेरे पाँव के गुना तुम्हारे ये आज़ाद होते हुए तुम्हारे ये तस्वूर चल रहे हो पूरी तवज्जो के साथ तुम वज़ू करो और वज़ू के बाद दुआ पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा ला शरीक लहु व अशहदु अन्न अशहद मोहम्मद अनबूर रसूल अल्लाजालबीना मिन वजाल मिनल मुतरीन ये दुआ पढ़ो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारा ये अमल इतना अमल करने की देर है आसमान वाला रब जन्नत के दरवाजे खोल देगा और तुम्हारे लिए ऐलान कर देगा जो जिस दरवाजे से चाहते हो जन्नत में दाखिल हो जाओ यार जो करने वाले काम है वो हम क्यों नहीं करते और सुनी सुनाई बातों पर हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हुई हैं मुंतहा मौलवी साहब बयान करते हैं ये बेरी है यहाँ पे पत्ते लगते हैं लोगों के उस पत्तों पर नाम लिखे होते हैं नबी अली इस्लाम कह रहे हैं उसके पत्ते इतने इतने बड़े हैं जैसे हाथी के बड़े बड़े कान हैं और ये गिरते नहीं हैं गिरते नहीं हैं नबी अलीला इस्लाम ने फरमाया जब ज़मीन से लोगों के आमालना उस पर पहुँचते हैं ऊपर से रब्बुल आलमीन के अहकाम उस पर पहुँचते हैं जब रब्बुल आलमीन के हुक्म उस पर आते हैं ये मुंतहा का जो मुकाम है यह पुर रौनक हो जाता है और यहाँ से फरिश्ते उन उनकाम को वसूल करते हैं उन अहकाम को वसूल करने के बाद जब्राही सलातम सलाम हुक्मनामा जारी करते हैं ये तुम्हारा काम है ये तुम्हारा काम है ये तुम्हारा काम है ड्यूटियाँ लग जाती हैं और फरिश्ते अपनी अपनी ड्यूटियों पर काम करना शुरू कर देते हैं आज मौलवी साहब लोगों के गुनाहों को मुआफ़ करवाने के लिए बेरी के पत्तों के साथ गुसल करवा रहे हैं यार नबी आल सलाम की सैदीस इस्लाम की प्यारी बेटी जो उस्मान रज़ी अल्लाह तु के निकाह में थी फौत होती हैं नबी आलाम गजबे पर गए हैं जंग पे गए वापस आए नबी आई सलाम को पता चला अकलीसम ने फरमाया बीमा मेरी बेटी को गुसल देना है तो उस पानी के अंदर बेरी के पत्ते डाल के उसको गर्म करो और उस पानी के साथ मेरी बेटी को गुसल देना है नबी आई इस्लाम कह रहे हैं कि मुर्दों को बेरी के पत्तों के साथ गुसल देना है और मौलवी साहब कह रहे हैं कि जिंदा गुसल करें अब कौन सच है फैसला मैंने यह आपने करना है नबी आलिलाम की बात सची है या आज के मौलवी की बात सची है, है हजरात हम कहां फिर रहे हैं दीन ला वारस नहीं है दीन ला वारस नहीं है अल अंबिया ओलामा अम्बिया के दीन के बारिश हजरात फिर ये कहा जाता है शाबान के महीने में रोजे शाबान की पंद्रहवीं रात को रोजा रखना है क्यों जी नबी अली की हदीस है कि आमाल उठाए जाते हैं अल्लाह की कसम सही हदीस है हजरात सिर्फ आमाल शाबान के महीने में नहीं उठाए जाते नबी अली सलाम की सही हदीस अकाल इस्लाम फरमाते हैं फ़जर के वक्त फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है ये कौन कह रहे हैं सारे बोलो जिन्होंने प्यार है सारे बोलो जो मसले को समझना चाहते हैं बोलें ये कौन कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबील इस्लाम फरमाते हैं फ़जर के वक्त फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है फ़जर के वक्त इंसान के अमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं असर के वक़्त ड्यूटी चेंज होती है ये डेली की बात कर रहा हूँ रोज़ाना की नबीसमाम फरमाते हैं फजर का वकत है असर का वक़त है फ्रिशों की ड्यूटियाँ चेंज होती हैं इंसान के नामा अमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं हजरात नबी आलतम ने सोमवार को और जुमेरात का रोज़ा रखा सवाल करने वाले ने सवाल किया अकाल सामने फरमाया सोमवार को और जुमे को यह हफ़्ते की रूटीन चेक कर लें नबीर साहब ने फरमाया सोमवार को और जुमेरात रात को आमाल नामे अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अमल जब अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएँ मैं रोज़े की हालत में हूँ रोज़े की हालत में मेरे अमाल अल्लाह के पास पेश किए जाएँ हफ़्ते में कितने दिन हैं और दिन में कितने टाइम है कौन कौन से फजर और असर हफ्ते में सोमवार और जुमेरात। अब आ गई महीनों की बारी नबी अली ने फरमाया शाबान की पंद्रहवीं रात को शाबान की पंद्रवी रात को पूरे साल के नामा अमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं हदीस सही है लेकिन यहाँ पे रुक के जरा गौर कीजिए नबी अली तो सलाम क्या सिर्फ शाबान की पंद्रवी का रोज़ा रखते थे नबी अली साम तो सोमवार का कर रोजा रख रहे हैं जुमेरात का कर रोजा रख रहे हैं हर महीने तेरह चौदह पंद्रह का कर रोजा रख रहे हैं हम सिर्फ एक रात को एक दिन को खास कर रहे हैं और फिर यहां पे बस नहीं हजरा बहुत सारी बातें हैं मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं ये मिम्बर रसूल है कुरान हाथ में पकड़ के भी मैं अगर कसम उठाऊं मैं अल्लाह की कसम कहता हूं कि बात छोटी है नबी आलत कुछ कह रहे हैं आज हमारा मोल भी कुछ कह रहे हैं कि इस रात फैसले किए जाते हैं ये लैला मुबारका है और पच्चीसवें पारे को उठा के देखिए आसमान वाला रब कहता है इन्ना कुन्ना मुंजरीन फी हाफरकू कुल्लू अमरिन हकीम मौलवी साहब कह रहे हैं कि इस रात बेरी के पत्ते गिर जाते हैं जिनके पत्ते गिर गए वो फोत हो जाएगा इस साल जिसके पत्ते लग गए वो बंदा बच जाएगा कुरान कह रहा है कि लैला मुबारक किस महीने में आती है पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूँ जी देखे लैला मुबारक किस महीने में आती है कुरान किस महीने में नाजल हुआ तो सारा ही पता है आसमान वाला रब कहते हैं कहता है मुबारक दिन ए नबी सामने इसको लैला मुबारका में उतारा है इन्ना कुन्ना मुरीन हम ही डराने वाले हैं फी हा युफ रखू कुल्लू अमरीन हकीम रब कह रहा है कि इस रात में हम फैसले करते हैं और आज के मौलवी साहब क्या कह रहे हैं शबान की पंद्रहवीं रात में फैसले होंगे और अल्लाह की गल सची के मौलवी दी हजरात रोजा रखना जायज है नबी आलाम तेरह का चौदह का पंद्रह का हर महीने रोजा रखते थे यार मोहब्बत तो ये है ना कि हम हर महीने तेरह चौदह पंद्रह का रोजा रखें सिर्फ शाबान की पंद्रहवीं रात को या पंद्रहवें दिन को खास करके रोजा रखना अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ नहीं यकीन तो हाथ में कुरान पकड़ के कहता हूं नबीम की किसी एक ज़ईफ़ रवायत से भी साबित नहीं है जो नबी आलिस्म की तरफ सही मनसूब हो सही दलील के साथ पहुंचती हो किसी एक रिवायत से भी साबित नहीं है कि नबी आलाम ने सिर्फ शाबान की पंद्रहवीं रात की इबादत की है बल्कि नबी आलासलम हर रात इबादत करते हैं हर रात इबादत करते हैं इतनी इबादत इतनी इबादत के पाँव मुबारक आपके वरम में आ जाते हैं सो जा जाती है अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तहने पर मजबूर हो जाती है अल्लाह के नबीसलम आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं अल्लाह ने आपको मासूम बना के भेजा है फरमाते हैं आयशा जैसे जिस आपने रब, मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं जिसने मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां डाली हैं जिसने मुझे गुनाहों से मासूम बना के भेजा है अफला अबदन शकूरा क्या मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनू और इतनी मुशक्कत है इतनी मुशक्कत है कि रब्बुल आलमीन से भी रहा ना गया कलीला जब देखा कि नबी अलिस्तान सारी सारी रात मुशक्क़त में हैं मेहनत कर रहे हैं सारी सारी रात मसल्ले पर रो रो के इस उम्मत के गम में तो रब्बुल आलमीन कहते हैं कुमिल्लीला कलीला ए मेरे नबी रात को खड़ा जरूर हो क्या जरूर कर लेकिन थोड़ा कर थोड़ा कर हजरत हजरात नबीम ने सिर्फ एक रात तो क्या नहीं किया हमारी मोहब्बत फिर कहां पे गई हमने हर रात क्याम तो करना नहीं बस एक रात को खास करके बस जो बातें सुनी सुनाई हैं उनको दीन का हिस्सा बना के हजरात जिंदगी और मौत का फैसला फरमाया जाता है कि बेरी के पत्ते गिरते हैं कुछ लगते हैं नबी आलोलम की सही अदीस है हजरात फैसला आप सब ने करना है मैंने कोई हाथ में डंडा नहीं पकड़ा मेरा काम है बताना आपका काम है उसको सुनना और समझना और उस पर अमल करना एक बात है मेरी या आज के किसी भी मौलवी मुफ्ती की एक बात है मोहम्मद की हजरात फैसला हकाइक पर मबनी होता है हकीकत पर मबनी फैसले होते हैं और अगर हम चाहते हैं ना कि कल क़यामत को अल्लाह का मुलकमिन हमें नबीम के परचम के नीचे इकट्ठा कर दे नबी आई इस्लाम की रिफाक़त में जन्नत का दाखिला अता कर दे तो आज अपनी ज़िंदगी के रुखों को नबी इस्लाम की इतात व फरमा बरदारी की तरफ मोड़ लें हजरात ज़िंदगी और मौत के फैसले के मुतलक नबी आई इस्लाम की जो हदीस है वो शाबान की पंद्रहवीं रात वो जो शाबान की कोई भी रात ऐसा फ़ैसला नहीं किया जाता बल्कि रमज़ान की लैला मुबारक में भी जो फ़ैसले का जिक्र आया है रबालमीन कहते हैं हम उन लोगों की किस्मतों के अहवाल बयान करते हैं उसमें ज़िंदगी और मौत का फैसला नहीं किया जाता वो तो पहले हो चुका है जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है चार महीने दस दिन गुजरते हैं आलमीन ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि अब जाओ जाके इसके जिस्म में रू फूंक के आओ इसकी किस्मत लिख के आओ इसने कब तक जिंदा रहना है और कब इसने वापस मेरे पास आना है ये सारा कुछ लिख के आओ अब रबुल आलमीन तो ये बयान कर रहे हैं मोहम्मद रसोलम तो ये बयान कर रहे हैं कुरान और हदीस तो ये बयान कर रहे हैं मौलवी साहब कह रहे हैं कि इस रात फैसले होते हैं इस रात जिंदगी और मौत का फैसला होता है फ़ैसला हम सब ने करना है जो कुरान और हदीस पर मबनी है अल्लाकिमिन से दुआ है कि अल्लाह हम सब को रसोल्ला सल्ला वसम पर जो लाया गया दीन है जो भेजा गया जो नाज़ल किया गया दीन है जो कुरान और अदीस की शक्ल में आज हम सब के पास मौजूद है अल्लाह हम सब को इनको पढ़ने पढ़ाने की और इस पर अमल करके अपनी दुनिया और आख़रत को संवारने की तोफ़ी अतः फ़रमाए आखिर उदावाना अनिलहमिल्ल रबालमीन